हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई अभी हो गए हैं सुबह के 9 बज गए हैं और अभी हम लोग सुबह उठ के रेडी हो गए हैं। और ये देखो यार, एकदम अभी बस बाल थोड़े से ऐसे ख़राब हो रखे हैं, हो जाएंगे यार, कैसे मुर्गे की तरह देखो कैसे वो खड़े हो गए हैं। अभी इनको सही करते हैं। वैसे ये है हमारा कैंप जिसमें हम सोए थे रात को, बहुत मज़ा आया है। हमारे बैग वैग सब यहीं रखे हैं और सारा लैपटॉप सामान सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है। अभी हम इसी के अंदर सोए थे खूब मज़े से यहाँ पे। और बस अब उठ के अब हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा निकलने की। कि तो भाई देखो क्या मस्त व्यू है जहाँ पे हमने टेंट लगवाया हुआ था। टेंट लगा के यहाँ पे हम लोग सोए थे, ये देखो ये रहे टेंट। और अभी हमारा एक भाई यहाँ पे अभी सोया पड़ा है। हैं, उठो उठो, 9 बज गए, 9 से ऊपर टाइम हो गया, चले। देखो यार कितना मस्त जगह है, देखो हैं कितना अच्छा लग रहा है। एक अलग ही यार वाइब्स आ रही है यहाँ पे, सही में बहुत मस्त है। और भी यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं और ये है डिट्टो हब जहाँ पे हम रुके हुए थे। और बहुत मस्त जगह है यार, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऊपर देखो। और यहाँ देखो क्या भोलेनाथ जी की, शिवा की पेंटिंग करी हुई है इस पत्थर पे। एक नेक्स्ट लेवल की पेंटिंग है यार सही में, ये देखो कितना सही लग रहा है। मतलब बाहर निकलो ना यार तो ये सब चीज़ें देखने को ही मिलती हैं, कितनी बढ़िया पेंटिंग बना रखी है और ये भी पत्थर पर बना रखी है। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ना बेसिकली ये गाँव था, यहाँ पे ऊपर ना सामान लाना बहुत ही स्ट्रगल का काम है, बहुत ही स्ट्रगल था यहाँ पे। तो हम यहाँ के लोग ना नीचे चले गए हैं, तो यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ कुछ। यहाँ पे अभी भी घर बने हुए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ये सब ना घर बने हुए हैं। और अभी काफ़ी लोग पहले यहाँ पर रहा करते थे, अब नहीं रहते। अब ये यहाँ पर एक ट्रैकिंग पॉइंट बन गया है, ये देखो, जो कि अभी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए। और अब तो सूरज भी निकल गया है, ये देखो क्या मस्त लग रहा है यार ऊपर से निकलते हुए पहाड़ों के पीछे से। तो भैया अभी आ गई है चाय। और राहुल कैसा लग रहा है पहाड़ों पे चाय का मज़ा? मस्त। और सभी लोग पीने में लगे हैं चाय। भाई चेयर्स। भाई अपनी भी आ गई है, हम भी पिए जरा कैसा। तो भैया अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे डिट्टो हब में और बहुत मस्त यार मज़ा आया। अंदर भी काफ़ी अच्छा कुछ बना हुआ है सब। यहाँ पे रूम वूम भी हैं, मैं आगे का भी दिखाता हूँ यार। बट यहाँ पे अभी लाइट गई हुई है ना, लाइट गई हुई है तो अभी ज़्यादा दिखा नहीं सकते। देखो बहुत मस्त बना हुआ है। और अभी ये लोग यहाँ पे बैठ के मस्तियाँ मार रहे हैं। और ये देखो भाई, ये हमें ओरियो मिल गया यार यहाँ पे। भाई ये देखो ये ओरियो मिल गया। ओरियो यार, ओरियो की बड़ी शक्ल चेंज हो गई यार। हैं, सौरव जोशी का ओरियो अलग था, हमारा ओरियो अलग है यार, बड़ा खतरनाक सा है। हैं, हेलो ओरियो ओरियो। और भाई देखो कितने आराम से बैठा हुआ है यार ये सही में। और है बड़ा ख़तरनाक, अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए ना फाड़ देगा पूरा सही में। ये है मतलब कि इसको कह सकते हैं हम कि है ना, जो लोमड़ी होती है ना उसकी ब्रीड का है। बहुत मस्त है यार सही में, मगर बहुत अच्छा है, किसी को कुछ कहता नहीं है यहाँ पे आने वालों को। अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है अपना। चाय नाश्ता करके अब हम लोग बस निकलेंगे नीचे, थोड़ा नदी पर इंजॉय करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भाई सो वो मैगी शैगी कुछ थोड़ा सा प्लान किया जाए, उसके बाद देखते हैं यार। निकलें फिर आज क्या? हाँ निकलते हैं, फिर निकलते हैं, चलो यार। यहाँ का मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और अभी ये देखो बिच्छू बूटी, कितनी बड़ी बिच्छू बूटी है, अगर इसमें ज़रा भी हाथ लग जाए ना भाई पूरी बॉडी में करंट फैल जाता है, बहुत बढ़िया वाला एकदम। तो इसको टच भी नहीं करना, मैं ऐसे दूर ही खड़ा हूँ, क्योंकि ज़रा भी टच हुआ ना इसके, आप देखो इसमें छोटे 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 एकदम कांटे हैं, जो चुभते हैं ना तो बुखार चढ़ाता है। अभी दिखाता हूँ मैं आप, ये देखो ये बिच्छू बूटी है जिसके कांटे देखो, कांटे बड़े भयंकर हैं इसके। और ये देख लो ये जंगली फल भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अरे ऐ है क्या निकल रहा है इसमें से, ये देखो ये है जंगली फल यहाँ का। मैं इसको खाते नहीं है क्योंकि ये जहरीला होता है। और कितना लगा हुआ है देखो यहाँ पे, इस सिर्फ यहाँ पे बिच्छू बूटी और ये जहरीला फल लगा हुआ है। तो भाई देख लो अभी ओरियो यहाँ पे खाना खा रहा है और इसको दाल चावल आलू की सब्जी दी गई है। और देखो क्या मस्त मज़े से खा रहा है ओरियो। ओए जैसे कहते हैं इनको खाना खाते टाइम ना छेड़ना नहीं चाहिए, खाना खाने दो यार। तो भाई अब टाइम आ गया बाय बाय कहने का यहाँ पे अभी डिट्रो हब को। और अभी हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि अभी हम लोगों ने और आगे जाना है। तो बस अब सब लोग रेडी हो गए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। एक बार और देख लो भाई डिट्रो हब को, और कभी भी आना हो ट्रैकिंग के लिए यार यहाँ आ जाना, बड़ी मस्त जगह है सही में, बहुत पीसफुल है। और चले यार, तो अभी अपने सारे भाई रेडी हो गए। तो भाई यहाँ से व्यू देखो इस वैली का,
हम लोग किस वैली के बीच में, एकदम चारों तरफ हमारे पहाड़ी पहाड़ हैं और हम लोग अभी यहाँ पे बीच में से उतर रहे हैं। राहुल आ रहा है, राहुल यार दो दो बैग लेके चल रहा है, देखो यार सही में सीरियसली बड़ा इसमें बंदे में स्टेमिना बहुत है यार है। चलो भाई चलो चलो नीचे चले यार। भाई रात के टाइम तो हमें पता नहीं लग पाया था इस जगह का, ज़्यादा मैं को दिखा नहीं पाया था, एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बट बहुत मस्त जगह है यार सही में, बहुत मस्त जगह है देखो। और अभी हम लोग कैसे कैसे करके उतर रहे हैं यहाँ से सब लोग, क्योंकि यहाँ पे उतरना बड़ा ही टफ है। ओ भाई यहाँ से नीचे का व्यू देखो, अभी हमें वो नीचे जाना जहाँ पे गाय भैंसे चल रही हैं और पानी की आवाज़ देखो कितनी आ रही है, यहाँ पे नदी भी है नीचे, अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे सीधा नीचे। इस टाइम पे काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग, भाई यहाँ का वैली का व्यू देखो यार, इस टाइम पे हम लोग नीचे उतर आए हैं और काफ़ी थकान हो गई है, मगर देखो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं चारों तरफ और हम इन पत्थरों के बीच में एकदम, ये देखो ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल भी है, थोड़ा सा पानी के झरने पे आ रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाने के लिए, अभी वहाँ पे जाके अभी थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं और इन पहाड़ों के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। भाई यहाँ पे कुछ भी है, एक अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है, सभी बहुत शांति और हवा इतनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि गर्मी भी बहुत है यार, हम लोग जब चल के आए तो पसीना भी काफ़ी आ गया है, देखो पसीना भी आ गया और अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देख के। अभी तो और आगे आगे हम जाएंगे और भी आपको एडवेंचर दिखाएंगे, अभी तो सोच रहे हैं बस नदी में थोड़ा सा कूदने की। अगर कोई शॉर्टकट से जाना चाहता है तो इस ब्रिज से चले जाए भाई, ये ब्रिज बना हुआ है, बस बीच में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ नहीं है, बाकी पहुँच तो सकते हैं वो देखो लटक लटक के। तो भाई देखो अभी हम नदियों के बीच बीच में से जा रहे हैं अभी होके और पूरा यहाँ पे पानी बह रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बैठ के हम लोग मैगी शैगी कुछ बनाएंगे, तो खाने का सामान तो हम साथ में लेके आए हैं और भूख भी लगने लगी है क्योंकि 11:30 हो गए हैं। अभी देखो फिर अब कहाँ पे रुक के अभी हम अपना प्रोग्राम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। भाई हकीकत में यहाँ पे पानी है बहुत ठंडा और अभी बस हम लोग जा रहे हैं नहाने और सब रेडी हो गए हैं देख लो नहाने के लिए, मगर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ठंडा है और ये देख लो अभी जो पानी का लेवल हमें हमारे थर्मामीटर जो यहाँ बैठे इनसे पता लगा। भाई बताओ बहुत ठंडा, पैर सुन हो गए बहुत ठंडा है, मगर कोई नहीं फिर भी हम लोग जाएंगे अंदर नहाएंगे, अभी देखते हैं इंजॉय तो करना ही करना है भाई। तो भाई अभी सब लोग उतर गए पानी में नहाने के लिए, राहुल और ने तो नहा लिया, नहाना चालू कर दिया, मगर पानी लिटरली बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यार, हालत ख़राब हो रही है अभी तक मैं तो घुसा नहीं क्योंकि बता रहे हैं अभी यार पानी वाकई में बहुत चिल्ड है, मगर नहीं हिम्मत लगा के तो अभी नहाना तो है ही भाई। राहुल यार राहुल फिसला लग गई ना है भाई, लग गई यार राहुल के। चलो भाई फाइनली अभी हम भी जा रहे हैं, बहुत ठंडा है, लिटरली बहुत ठंडा है सीरियसली यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि डुबकी मारी ना तो सुन्नी हो जाएगा पूरा वाकई में ही।
कैसा लग रहा है वरुण सर आपको? मजा आ गया। लो भाई मजा आ गया। अरे जन्नत प्राप्त हो गई इसको, अरे बचा लो। ओ भाई भाई खड़े हो जाओ, फिर उठ गया। अरे भाई भाई यार एक बार वहां और लेट जाओ यार। हर हर महादेव। वाह भाई, बस हो गए भाई। वाकई में ही एक अलग लेवल की फीलिंग थी, अलग ही लेवल का मजा था, एडवेंचर था। इतना ठंडा पानी है ना भाई, ये इतना ठंडा कि अच्छे अच्छे ठंडे हो जाए, मगर वाकई में नहाने में मजा आया। राहुल का तो बहुत मजा आया, राहुल गिर भी गया था यार, गिर गया था राहुल। यो बॉयज फन, बॉयज हमारे अभी भी लगे हुए नहाने के लिए भाई। सीरियसली आप तो कपड़े पहन रहे, ठंडा हो गए पूरे। सूरज देव की कृपा है। तो भाई अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं और निकल गए हैं दोबारा आगे से अपने आगे सफ़र के लिए। और यार कितना मज़ा आ रहा है यहीं पे, सही में यार। मतलब जाने का मन नहीं कर रहा, मगर जाना तो पड़ेगा क्योंकि आए हैं अभी इतनी दूर, यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है यहाँ पे खतरा बढ़ने लगता है, क्योंकि हम लोग जंगलों के बीच में हैं इस टाइम पे। आप देख रहे हो हम पूरा लिटरली जंगल है आसपास, एकदम पूरे पहाड़ है, जंगल है जहाँ पे हम हैं, और यहाँ पे ना जंगली जानवरों का भी खतरा है। बट अभी देखो अभी मैं क्रॉस कर करके जा रहा हूँ नदी, कैसे मज़ा आ रहा है यार। ये देखो अभी आ गए सब लोग, और ये देखो, ओह ये देखो, सही में नदी ऐसे ऐसे क्रॉस करके आनी पड़ती है। ओ भाई रुक तो जाए।